हेलो फ्रेंड्स, मैं गुरु भाई हिंदी रैपर। सो हाउ टू रैप इन हिंदी के इस सेशन के अंदर हम बात करेंगे रैप फ्लो के बारे में। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि पर्सनली मैं रैप फ्लो के अंदर क्या इस्तेमाल करता हूं, कौन से ट्रिक्स यूज़ करता हूं, और आपको भी वो बताना चाहता हूं कि मैं किस ढंग से अपने रैप फ्लो को आइडियाज़ लाता हूं, कौन सी बीट्स यूज़ करता हूं, किस ढंग से अपने प्रैक्टिस करता हूं। तो मैं इसके अंदर यही बताने वाला हूं ताकि आपको फ्यूचर में रैप लिखने में या तो रैप परफॉर्म करने में, बीट के ऊपर परफॉर्म करने में, बीट चूज़ करने में आपको हेल्प मिले। और आपको मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि आजकल जो रैपर्स मतलब यूज़ कर रहे हैं अपने राइम्स लिखने के ट्रिक्स या अपने फ्लो को बनाने के ट्रिक्स, वो भी आपको मैं परफॉर्म करके दिखाऊंगा कि वो लोग किस ढंग से परफॉर्म करते हैं। कुछ मैंने 3-4 जो ट्रिक्स है, शायद 4 ट्रिक्स मैं बताने वाला हूँ, वो आपको मैं बताऊँगा और उम्मीद करता हूँ आपको वो पसंद आएगी। तो जल्दी से जल्दी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं। तो के माले जैसे आज के लड़के लड़की पैसों से पटाले, पर मैं वैसा बंदा नहीं जो पैसा मिट्टी मिला दे मेरी। तो दोस्तों, हम रैप फ्लो के अंदर सबसे पहले हम हल्की ब्रीथ मतलब जिसमें हल्के सांस लिए जाते हैं उन फ्लो का स्टार्टिंग में इस्तेमाल करेंगे और धीरे धीरे हम थोड़ी तेजी से बढ़ते जाएंगे। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं थोड़े स्लो फ्लो से, बिल्कुल कम ब्रीथ वाले, जिसमें हम ज़्यादा जोर नहीं लगाएंगे, बिल्कुल फ्री स्टाइल। तो ट्राई करते हैं। यो ये सब का पता नहीं हम है हरामी, लोगों ने मेरे साथ की थी बेईमानी, चढ़ी थी जवानी, लगा प्यार का पानी, खा खा के ठोकर बन गया ज्ञानी, फिर लोगों ने कहा, फिर मैंने भी सहा, फिर होता ही रहा, फिर पता नहीं क्या बदला मैंने फ्लो, अगर अच्छा लगा तो तुम भी लिख लो, गो गो गो। ये बिल्कुल फ्री स्टाइल, मतलब कि जो आपके दिल में आ रहा है वो उसको बोलो आप, तो आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा इसके अंदर। मतलब आप अपनी ब्रीथ को नहीं कंट्रोल कर पा रहे हो तो आप इसके अंदर ट्राई कर सकते हो, सिर्फ ये फर्स्ट स्टेप है। ये रैप जैसा नहीं है, आपको पहले ही बता दूं, क्योंकि कुछ लोग फिर गलतियां निकालते हैं, कमेंट्स मारते हैं, गाली गलौज करते हैं। मैं बता दूं ये स्टार्टिंग टिप्स के अकॉर्डिंग है, तो ये रैप जैसा नहीं है, ये सिर्फ एक इमेजिनरी है कि एक बंदा स्टार्टिंग में कैसे करता है और धीरे धीरे अब जब उसकी ब्रीथ कंट्रोल में आती है तो वो किस ढंग से परफॉर्म करता है। ओके अब हम यही चीज़, यही लिरिक्स दोबारा परफॉर्म करेंगे, मुश्किल से माइनर से मैं या मुझे के शब्द एक्स्ट्रा डले हैं ताकि और थोड़ा सा टाइट फ्लो हो सके। ओके तो स्टार्ट करते हैं। मुझे सब का पता नहीं मैं थोड़ा सा हूँ हरामी, क्योंकि लोगों ने मेरे साथ में की थी बेईमानी, मुझे चढ़ी थी जवानी, फिर पिया प्यार का पानी, मैंने खा खा के ठोकर फिर बन गया ज्ञानी, फिर लोगों ने कहा साला मैंने भी सहा, फिर होता ही रहा, साला मैंने करा क्या बदला मैंने फ्लो, अगर अच्छा लगा तो सालो तुम भी लिख लो, गो गो गो। यो ये था थोड़ा सा टाइट फ्लो, लिरिक्स वही है, बस गाने का अंदाज थोड़ा सा बदल गया। एक और बार अगली ट्राई मारते हैं, एक और नवे स्टाइल में। सब का पता नहीं हम है हरामी, लोगों ने मेरे साथ की थी बेईमानी, चढ़ी थी जवानी, लगा प्यार का पानी, खा खा के ठोकर बन गया ज्ञानी, फिर लोगों ने कहा फिर मैंने भी सहा, फिर होता ही रहा, फिर होना भी था क्या बदला मैंने फ्लो, अगर अच्छा लगा तो सालो तुम भी लिख लो, गो गो गो। ये कुछ ऐसी चीज थी है जैसे आप इसको आउट ऑफ बीट भी कह सकते हो, आउट ऑफ बीट जाकर वापस बीट पे आना। ये सिर्फ स्टार्टिंग की टिप्स है। चलो एक और चीज, लिरिक्स दूसरे हैं पर ये गाने का स्टाइल थोड़ा सा अलग। हाँ यो यो मेरा नाम गुरु भाई, यो मेरी हो रही है चढ़ाई, क्या मैं लिरिकली नई, मैं रैप फ्लो सुनाऊं क्या समझ नहीं आई, मेरे सामने तू लगा कांपने, तुझे काटे मेरा फ्लो जैसे काटा सांप ने, अब चल पड़ा मैं नोट को छापने, क्योंकि उधारी बहुत लोग लेने लगे मांगने। हा ये देखो, ये थोड़ा नवा फ्लो है और अब मैं आपको
बीट चेंज करके भी बताऊंगा कि कैसे परफॉर्म करना है, यही लिरिक्स कैसे परफॉर्म करना है अलग बीट के ऊपर। यो मेरा नाम गुरु भाई, यो मेरी हो रही है चढ़ाई, क्या मैं लिरिकली नहीं, मैं रैप फ्लो सुनाऊं क्या समझ नहीं आई, मेरे सामने तू लगा कांपने, तुझे काटे मेरा फ्लो जैसे काटा सांप ने, अब चल पड़ा मैं नोट को छापने, क्योंकि उधारी बहुत लोग लगे हैं मांगने। ये कई तरह से इसमें एक और ट्राई मारते हैं। आहा यो यो मेरा नाम गुरु भाई, यो मेरी हो रही है चढ़ाई, क्या मैं लिरिकली नाई, मैं रैप फ्लो सुनाऊं तुझे समझ नहीं आई आई, मेरे सामने तू लगा कांपने, तुझे खाते मेरा फ्लो जैसे काटा हो सांप ने, अब चल पड़ा मैं नोट को छापने, क्योंकि उधारी बहुत लोग लगे हैं मांगने। आ यो ये थोड़े नवे स्टाइल से जो आजकल रैपर्स कर रहे हैं कुछ फॉरेन के अंदर, अजीब सा लगेगा। स्टार्ट सब का पता नहीं, हम है हरामी, लोगों ने मेरे साथ किथी किथी भाई मानी, शादी नानी। यो इस तरह दोबारा ट्राई करते हैं। यो सब का पता नहीं, हम है हरामी, लोगों ने मेरे साथ किथी किथी भाई मानी, चढ़ी थी जवानी लगा प्यार का पानी, खा खा के ठोकर बन गया ज्ञानी, फिर लोगों ने कहा फिर होता ही रहा, फिर मैंने भी सहा, फिर पता लगा क्या बदला मैंने, लो अगर अच्छा लगा तो सालो तुम भी लिख लो, गो गो गो। यो मतलब कि मैं ये नहीं बोलता कि बहुत अच्छी चीज़ें हैं ये, पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपको जो बेटर लगता है आप वो करो। ये तो बस एक टेक्निक बता रहा हूँ कि इस तरह नहीं तो इस तरह परफॉर्म कर सकते हैं, अगर आपके लिरिक्स ऐसे नहीं सेट हो रहे तो ऐसे सेट कर सकते हो। मतलब कि बस एक आपको आइडिया देना चाह रहा हूँ कि जब मैं प्रैक्टिकली ये काम करता हूँ तो मैं कितने तरह के फ्लो बनाता हूँ, और मैं आपके साथ वो शेयर कर रहा हूँ कि हम एक ही बीट पर इतने तरह तरह के फ्लो बना सकते हैं। तो मैं कुछ ये भी नहीं कहना चाहता कि आप परमानेंट इस तरह की चीज़ें करो, बस ये जो मेरी पर्सनल लाइफ है और जो मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ वो आपके साथ मैंने शेयर किया है, ताकि आप लोगों को बहुत कुछ पता लगे रैप के बारे में और हम किस तरह से नवी नवी टेक्निक यूज़ करके अपने फ्लो को अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं। तो वैसे तो ट्रिक्स और भी है, पर इस वीडियो के लिए ये बहुत है, वरना ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी और आपको ज़्यादा समझ में भी नहीं आएगा। पहले आप इन चीज़ों को इस्तेमाल करो, ट्राई करो, अपने लिरिक्स को कटिंग करो, कुछ आगे पीछे लिखकर इसको बनाओ, ताकि आपको और अच्छा सा पता लगे कि इस तरह नहीं तो इस तरह ट्राई कर सकते हैं। और ये सारा कमाल है अपनी ब्रीथ का, जितनी आप सांस लेना चाहते हो उतनी बीट के ऊपर इतनी जगह कम जगह बनाया करो, मतलब कि ज़्यादा जगह बनाया करो अपनी बीट के अंदर या अपने लिरिक्स के अंदर। अगर आप अपनी लिरिक्स के अंदर बहुत मतलब टाइट फ्लो बनाना चाहते हो तो आपको कम सांस लेनी पड़ेगी, तो अपनी ब्रीथ आपको वैसी क्रिएट करनी पड़ेगी कि आपको ज़्यादा सा हाँ या हाँ, मतलब कि अपने को खींचने का नहीं लगना चाहिए कि आप अपनी सांस को बहुत खींच रहे हो। मेन फोकस आपके रैप फ्लो के ऊपर होना चाहिए और सांस का कम पता लगना चाहिए। तो यही है आपका रैप फ्लो। सो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ मेरी बताई गई जो रैप फ्लो की टिप्स है वो आपको काम आएगी। ये बस उन लोगों के लिए है जो स्टार्टर्स हैं, जो बहुत टाइम से मेहनत कर रहे हैं और उनका फ्लो बेटर नहीं हो पा रहा है या बीट्स के ऊपर परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं आप लोगों को यही बताया है कि आप ऐसे नहीं तो इस ढंग से परफॉर्म कर सकते हो अपनी बीट्स के ऊपर। अगर इस बीट पे परफॉर्म नहीं होता तो इस बीट पे परफॉर्म कर लो, अगर इस लिरिक्स से ऐसा नहीं होता तो थोड़ा सा कट ऑफ कर सकते हो अपनी बीट्स को, या बीट का टेम्पो मतलब थोड़ा कम ज़्यादा कर सकते हो अगर आपके पास ओरिजिनल बीट्स बनवा रहे हो। अगर नहीं है आपके पास तो आप कोई नेट से बीट ले रहे हो तो आप उसी के अंदर उसको अपना फ्लो बनाओ, अपना सेट करो फ्लो, और थोड़े से लिरिक्स जो है उसे जैसे मैं मुझे
या और या कुछ भी छोटे छोटे जो शब्द होते हैं जो कॉमन सेंस होता है कि कॉमन सेंस है बंदा समझ ही जाएगा, तो उन जो कॉमन सेंस वाले शब्द है उनको हटा कर आप नॉर्मली अपनी बात को साफ टू साफ क्लियर टू क्लियर अपना बताएं लोगों को और इसके अंदर अपना बेटर से बेटर देने की कोशिश करें। क्योंकि मैंने तो यहाँ पर आपको बिल्कुल एक छोटे टाइम के अंदर जल्दी बताने की कोशिश करी है, पर अगर आप अपना सही वक्त लगा रहे हो, अपना टाइम लगा रहे हो, तो आपको इससे भी अच्छे अच्छे आइडियाज़ आ सकते हैं। ये तो बिल्कुल बेसिक जो मैं आपको टिप्स बता रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक जो आजकल लोग कर रहे हैं। क्या पता आपके अंदर कुछ अच्छा टैलेंट हो जो आप बहुत अच्छा कर सकते हो और लोगों को भी आपका वो स्टाइल पसंद आए। तो मैं चाहता हूँ कि आप कुछ नवी क्रिएटिविटी करो और नवे राइम्स बनाओ, नई तरह की कुछ लिखने की कोशिश करो, ताकि मुझे खुद को भी सीखने को मिले। जब मैं आप लोगों को देखूं तो मेरे को भी कुछ सीखने को मिले, क्योंकि मैं भी दूसरों से ही सीख सीख कर आप लोगों को सिखा रहा हूं। कुछ ऐसा नहीं है कि मैं जन्म से ही सीखा हूं। तो मैं चाहता हूं कि आप भी सीखें और मतलब जो रैप कल्चर जो लोग बोलते हैं बढ़ाने की कोशिश करते हैं, बस मतलब कि मैं उसका भागीदार नहीं भी बनना चाहता, पर फिर भी एक तरह से बस मेरा सपोर्ट है। मैं ये नहीं चाहता कोई मुझे ऐसे बोले कि मैं रैप कल्चर का मतलब हेल्प कर रहा हूँ या ऐसे कर रहा हूँ या नेता हूँ या कुछ भी है। बस मैं अपनी एक भड़ास निकाल रहा हूँ एक तरह से कि मैं बता रहा हूँ, बस आप सुन लो। आपको अच्छा लगता है तो आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हो, आप सीख सकते हो। अगर नहीं अच्छा लगता है तो कोई दिक्कत नहीं है, जिसको अच्छा लगता है वो परफॉर्म करेगा या सीख लेगा। तो बस यही है इस वीडियो के अंदर, और मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करोगे, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया जो रैप की वीडियोज़ भी नहीं आई थी और थोड़ी सी मतलब सब्सक्राइब भी कम हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ यार थोड़ा सब्सक्राइब कर दोगे, नवे लोगों में आप शेयर करो आप थोड़ा सा, ताकि मैं जो 5000 सब्सक्राइबर का एक जो एम लेके चल रहा हूँ वो पूरा हो जाए और फिर किसी आर्टिस्ट को वो फ्री रिकॉर्डिंग और मेरी तरफ से फ्री बीट्स मिले और वो परफॉर्म कर सके। इसीलिए मैं जल्दी से जल्दी जो पिछली वीडियोज़ है उसके अंदर रैप करने के ट्रिक्स डाले हैं मैंने इतने, ताकि कोई आर्टिस्ट ऐसा ना रह जाए कि वो रिकॉर्डिंग करने आए और उसको जो मेरी बताई गई इन्फॉर्मेशन वो अधूरी रह जाए। तो बस यही है कि यार सब्सक्राइब कर देना, लाइक कमेंट शेयर तो आप करते ही हो, दिल से आपको थैंक यू जो आपने इतना मेरे को प्यार दिया कि इतने सब्सक्राइबर बनाए। क्योंकि पहले मैं अभी से 6-7 महीने पहले कुछ नहीं था, बस आपका सपोर्ट है जो यार बहुत आगे लेके जा रहा है मेरे को और लोगों में भी वाह वाह हो रही है मेरी, तो बस वो आप लोगों के कारण है। तो शेयर सपोर्ट और अभी के लिए जय हिंद बाय बाय। मेरे याड़ी मारे जर्दा लोगों से लेके कर जा, घर वाले कहते उनको दफा हो मर जा, नियत इनकी साफ बस नशा परेशानी, वरना कौन नहीं चाहता अपना खुद उठाऊं खर्चा। रहता हूँ बिजी टाइम नहीं फैशन का, लड़कियां बेशक मिले पर ना टाइम रिले।